अच्छा भगवान के एक विवाह भय हो तो बात करें, हमारे ठाकुर जी के भय 16108। अच्छा कितनी अद्भुत बात, जिनको एक ब्याह भव उनसे पूछो जिंदगी कैसे कट रही, रोज दिमाग खराब है, कभू सब्जी के ऊपर, कभू भाजी के ऊपर, कभू धुतिया के ऊपर। अब हमारे ठाकुर जी की गांव वाह कितने विवाह 16108। लेकिन हम तुम्हें बताएं, हमारे ठाकुर जी बड़े लीलाधर हैं, लीला पुरुषोत्तम हैं, इन्होंने सभी वेद की ऋचाओं के साथ में विवाह किया है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो साधु जी। तो पहला विवाह किसके साथ हुआ? रुक्मणी मैया के साथ। अब अलग अलग बताएंगे तो देर हो जाएगी, इकट्ठे बता दें। भगवान की 8 पटरानियां हैं, 16000 सौरानियां हैं। पहला विवाह रुक्मणी मैया के साथ, फिर जामवती के साथ, फिर सत्यभामा के साथ में। जामवती कौन है? जामवती जामवंत जी की पुत्री है। एक विवाह रुक्मणी जी के साथ में, दूसरा जामवती के साथ में, तीसरा सत्यभामा के साथ में। सत्यभामा राजा सत्राजित की पुत्री है। और अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिम इच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः। एक बार भगवान अर्जुन के साथ में जमुना के किनारे डोल रहे थे, टहल रहे थे, देखा एक कन्या भगवान की तपस्या कर रही। भगवान ने कहा जाओ अर्जुन जरा देवी जी का परिचय तो लो, कौन है? अर्जुन जी गए, देवी जी कौन हो तुम? अहम देवस्य सवितुर दुहिता, महाराज मैं सविता की दुहिता हूं, मेरा नाम है कालिंदी। अच्छा तपस्या क्यों कर रही हो? महाराज मैं द्वारकाधीश को पति के रूप में पाना चाहती हूं। अर्जुन जी बोले देवी तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, भाई साहब है पीछे बे खड़े रथ पर। भागी भागी कालिंदी मैया आ गई, महाराज आपकी जय हो, अब तो कृपा करो, आपके लिए ही तपस्या कर रहे थे। भगवान बोले क्या? बोले आप हमें अपनी पत्नी स्वीकार करो। भगवान बोले हमारे तो पहले ही हो चुके विवाह, तो क्या हुआ सरकार, हमें भी तो स्वीकार करो। भगवान बोले आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 सात भावर पड़ी, भगवान का कालिंदी जी के साथ में भी विवाह संपन्न हो गया। कालिंदी का परिचय तो हो गया, अब जरा पांचवा विवाह और सुनो। अवंतिकापुरी उज्जैन के राजा थे बिंद और अरविंद। बिंद और अरविंद की एक बहन थी जिसका नाम था मित्रविंदा। क्या नाम था? मित्रविंदा। दोनों भाई बिंद और अरविंद राजनीति में फायदा लेने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे। स्वयंवर रखा, लेकिन मित्रविंदा जी तो द्वारका प्रभुधीश के नाम की माला जप रही थी। स्वयंवर रखा तो स्वयंवर में दुर्योधन आए, द्वारकाधीश भी आए, तो भाइयों ने तो कान में कह दिया बहन दुर्योधन के गले में माला डाल देना। तो माला डालनी थी दुर्योधन के गले में, लेकिन मित्रविंदा ने माला डाल दी हमारे गोविंद के गले में। आहा फिर क्या, दोनों भाई बड़े नाराज भाई। भगवान बोले अब क्या हुआ, गले में माला ही डल गई, 1 2 3 4 5 6 7 सात भामर पड़ी, भगवान का पांचवा विवाह भी संपन्न हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी। अब जरा छठवां सुनो। एक राजा थे कौशल नरेश, इनका नाम था नग्नजित। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था सत्या देवी। क्या नाम था? सत्या देवी। राजा बड़े ही बुद्धिमान, इनकी पुत्री भी बड़ी ज्ञानवान, बड़ी सुंदर रूपमान। राजा ने प्रण किया जो 7 बलिष्ठ बैलों को एक रस्सी में बांध देगा उसी के साथ हम अपनी बेटी सत्या का विवाह करेंगे। विवाह के इच्छुक जितने भी राजकुमार बालक थे वो सब आए, जो बलवान थे।
लेकिन सात बैल, एक बैल हो तो बंद जाए। अब बैल तो बैल है, बैलों ने काऊ की खपड़िया फोड़ दी, काऊ को पेट फाड़ दो, काऊ को हाथ तोड़ दो, काऊ को पांव तोड़ दो। अब तो शादी की इच्छा लेके कोई जा भी नहीं रहा। भगवान बोले ऐसे उल्टे काम करने में हमें बड़ा मजा आता है। भगवान बोले लाओ रस्सी, भगवान कूद गए रंगभूमि में। एक क्षण में ही सातों बैलों को एक रस्सी में बांध दिया, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात भावर पड़ी और भगवान का ये छठमा विवाह भी संपन्न हो गया। बोलो द्वारकाधीश की। अब सातवा सुन लो, सातवों विवाह। बसदेव जी की एक छोटी बहन जिनका नाम सुतकीर्ति, भगवान की नाते में दूर में ये बुआ लगे। भगवान से ये बड़ा प्रेम करती थी। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था भद्रा। सुतकीर्ति जी ने सोचा भगवान से कोई नाता जुड़ जाए, कोई संबंध बन जाए, कोई नाता जुड़ जाए तो भगवान आते जाते रहेंगे तो दर्शन मिलेंगे। लेकिन क्या उपाय है, कोई उपाय दिखाई नहीं पड़ा। सोई एक दिन अपनी बेटी को ले जाकर भगवान के चरणों में कहा, महाराज हमारी बेटी है, अब आप स्वीकार करो। भगवान ने बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी सुतकीर्ति जी। फिर क्या, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात भामर पड़ी और भगवान का सातवां विवाह भद्रा जी के साथ में संपन्न हो गया। बोलो द्वारकाधीश की। अब आठवां सुनो। एक बार भगवान ने ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली, उस मछली को नीचे पानी की परात में देख करके उसकी आंख में तीर का निशाना लगाकर लक्ष्य का भेदन किया। और जहां लक्ष्य का भेदन किया, सोई मध्य देश के राजा जिनकी बेटी का नाम था लक्ष्मणा, राजा ने प्रण लिया था कि जो इस घूमती हुई मछली की आंख में तीर मारेगा नीचे देखकर, वही हमारी बेटी के साथ विवाह करेगा। भगवान बोले ये उल्टे सीधे काम करने में हमें ज्यादा अच्छा लगता है। भगवान ने नीचे मछली को देखा, ऊपर तीर चढ़ाया, आंख में लगा और एक दो तीन चार पांच छह सात, सात भावर पड़ी, भगवान का आठवां विवाह भी संपन्न हो गया। बोलो द्वारकाधीश की। लो आठ निपट गए। अब इकट्ठे सुनो, 16,100। एक राजा था नरकासुर, इतना खतरनाक, जहां भी जाता था युद्ध करने वहां की सुंदर स्त्रियों को वो बंदी बना लेता था और जेल में बंद कर देता। उसने 16,100 स्त्रियों को बंद कर दिया। हा हा हा, भगवान को पता लगा, भगवान ने समझाया, मान जाओ, उपद्रव मत करो, पिट जाओगे, तेरवी और खप जाएगी। राजा बोला हम नहीं मानेंगे, तुम्हें ज्यादा चर्बी चढ़ी हो, आओ दो दो हाथ कर लो। भगवान बोले ये बात है, आ जाओ। और फिर क्या, भगवान का नरकासुर का युद्ध हुआ, नरकासुर मारा गया, भगवान ने 16,100 रानियों को बंधन से मुक्त कर दिया। भगवान बोले घर जाओ। रानियां बोली अब कहां जाए। भगवान बोले घर जाओ। सभी रानियां बोली सरकार हमारे ऊपर कलंक लग गया है राजा के बंधन में रहने का, अब ना तो पति स्वीकार करेंगे ना पिता, अब हमारे पास दो ही रास्ते बचे। कौन कौन? एक रास्ता तो यह है कि या तो हम सब प्राण त्याग देवें, और दूसरा रास्ता या आप हमें स्वीकार कर लो। भगवान बोले एक तो निकालो ऊपर से आफत, जय हो देवी जी हरो, एक तो बंधन से मुक्त किया करवाया, आतताई राजा को मारा है, ऊपर से कह रही कि विवाह करो, ये तो लंबी आफत। रानियां बोली सरकार और कोई हमारे पास उपाय नहीं है, और बात भी बहुत अच्छी है, यहां पर संसार के लोग जब तुम्हें स्वीकार ना करें तो घबराना नहीं, हमारे परमात्मा के चरणों में चले आना, हमारे गोविंद हर नाता निभाने को तैयार हैं। अरे जिसका कोई नहीं होता है? इस संसार में जिनका कोई नहीं है, जिनका कोई नहीं होता उनके जग में है घनश्याम, जिनका कोई नहीं जग में उनके जग में है घनश्याम। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम
उन 16,100 रानियों ने भगवान से कहा कि हमारा है कौन। भगवान ने कहा क्या करें, महाराज स्वीकार करो, तुम बिन कौन हमारो, मैं चातक चाकर चरणन को, मैं चातक चाकर चरणन को, अब तो दृष्टि डारो, अब तो दृष्टि डारो, तुम बिन कौन हमारा कौन है आपके बिना। अच्छा तुम लोग भी मानते हो कि अपना, तुम लोगों का भी भगवान के बिना कोई है क्या, बोलो बोलो बोलो, है क्या पीछे वाले, तुम लोगों ने कहा तो देख के जो लग रहा हो जैसे राजा कंस अपने घर को भगुआ बना दो, अरे कोई नहीं है, तुम बिन कौन ठाकुर, तुम बिन कौन मैं चातक चाकर चरणन को, मैं चातक चाकर चरणन को, अब तो दृष्टि डारो, अब तो दृष्टि डारो, अब तो भगवान बोले कोई बात नहीं, कोई नहीं है आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 सात भामर पड़ी और भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हो गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अच्छा बात ये है कि यहीं अगर जनसंख्या रुक गई हो तो बात करें, भगवान के 16,108 विवाह भय और प्रत्येक रानी से 10-10 संतान, 10-10। अब लगाओ 16,108 गुणा 10 बराबर 1,61,080, इतने तो केवल बेटा भाई, और प्रत्येक रानी की एक एक बेटी, और जब बेटों का विवाह हुआ तो इनके 10-10। हम नहीं कह रहे, भागवत में वर्णन आया है महाराज जी, हमने सुना पढ़ा है, भगवान की जनसंख्या 55 करोड़ पहुंच गई। बताओ, नारद जी ने सोचा इतना बड़ा परिवार, 16,108 घरवाली, भगवान रहते कैसे हैं। नारद जी तो अपनी बुद्धि लगा रहे कि बाकी तो नाराज रहती होंगी, भगवान तो एक ही जगह रहते होंगे। नारद जी ने सोचा चलो थोड़ा सा भगवान की लड़ाई करवाएं, तो लड़ाई करने करवाने आए नारद जी, लेकिन भगवान तो भगवान है, खन्नाम भगितीर्ण, भगवान कौन जो षट ऐश्वर्य पूर्ण है, जिसके अंदर षड ऐश्वर्य भरे पड़े हैं, उन्हीं का नाम है भगवान। नारद जी आए, जिस घर में नारद जी जावे उसी भवन में हमारे भगवान मिल जावे। चौंक गए नारद जी, ये क्या है, ये है भगवान की माया, भगवान की माया को कोई भी ना समझ पाया, भगवान की माया कोई भी ना समझ पाया, जो समझ पाया वही भगवान के पास जाया।